नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको तिल गणेश चौथ, जिसे संकट चौथ के नाम से भी जाना जाता है, इसकी आज मैं पूरी पूजा की विधि बताने वाली हूँ और पूजा का महत्व, व्रत कैसे रहें, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए इस व्रत में, ये सभी कुछ बताऊंगी। तो आप मेरे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मेरे वीडियो पहुँच पाए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको इस व्रत से रिलेटेड जानकारी, पूजा के लिए आवश्यक सामग्री, इन सभी का वीडियो आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा। ये व्रत सबसे पहले माता पार्वती ने रखा था अपने पुत्र के लिए, तभी से इस व्रत की शुरुआत हुई है। संकष्टी चतुर्थी का मतलब होता है संकट को हरने वाली चतुर्थी। इस दिन व्यक्ति अपने संकट दुखों से छुटकारा पाने के लिए भगवान गणेश की पूजा करता है। भगवान गणेश हमारे जीवन में आने वाले सारे संकट दूर करते हैं और हमारी सारी मनोकामना को भी पूरी करते हैं। चंद्र दर्शन चतुर्थी के दिन बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए चंद्र दर्शन अनिवार्य है। सूर्योदय से प्रारंभ होने वाला यह व्रत चंद्र दर्शन के बाद पूरा होता है। यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आप निर्जला व्रत रह सकते हैं, लेकिन आपका कोई स्वास्थ्य में गड़बड़ी है तो आप चाय पानी या फल खाकर यह व्रत रह सकते हैं। आप अपनी शक्ति के अनुसार यह व्रत रहें। ये पूजन संध्या काल में होता है, तो ये पूजा की विधि इस प्रकार है। संध्या के समय आप अच्छे से स्वच्छ हो जाएं और साफ सुथरे कपड़े पहन लें, उसके बाद पूजन करें। पूजा के स्थान पर आटे या चावल से अष्टदल कंबल तैयार कर लें। इस दिन का चंद्रमा लेट निकलता है, इसलिए आप पहले से ही पूजा की तैयारी करके रख लें। अब इसमें बीचों बीच चावल के दाने डाल दें। अष्टदल कमल के ऊपर कलश तैयार करके रखते हैं, इसलिए अष्टदल कमल बनाना जरूरी होता है। कोई भी पूजन हो तो कलश स्थापना बहुत जरूरी मानी जाती है। कलश तैयार करने के लिए किसी भी पात्र में जल लें, उसमें थोड़ा सा अक्षत डाल दें और ऊपर से 5 या 7 आम के पत्ते लगाएं, फिर घी का दिया जलाएं। सबसे पहले कलश स्थापना के लिए दीपक प्रज्वलित कर लें और कलश पात्र में 3 या 5 बार रक्षा सूत्र बांध लें। भगवान का आसन लगाने के लिए किसी भी लकड़ी के पाटे में लाल या पीले कलर का वस्त्र बिछाएं, उसके ऊपर से केले के पत्ते का आसन लगाएं, फिर भगवान शंकर भोलेनाथ, माता पार्वती जी और गणेश भगवान की फोटो स्थापित करें। इस तरीके से आप सपरिवार पूजा करें। पूजन की शुरुआत करने से पहले खुद का शुद्धिकरण करना जरूरी होता है। 3 बार अपने सिर पर दूबी से जल डालें और ओम विष्णु विष्णु कहकर इस मंत्र का उच्चारण करें। इस व्रत में गणेश भगवान का पूजन करने से पहले चंद्रदेव को अर्घ देना जरूरी होता है। इसके पीछे भी एक कहानी है, मैं आपको बताती हूँ। इस तरीके से 2 पान के पत्ते इकट्ठे कर लें और गाय के दूध से चंद्रदेव को 3 बार अर्घ दें। मैंने वीडियो में आपको यही बता दिया है, लेकिन यह विधि आपको चंद्रदेव के सामने करनी है। इस तरीके से 3 बार चंद्रदेव को अर्घ दें, उसके बाद ही गणेश भगवान का पूजन करें। मैं आपको कहानी बताती हूँ। एक समय की बात है, चंद्रलोक में सभी देवता चंद्रमा के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। सभी देवता अपने अपने वाहन में थे, तो गणेश भगवान सीढ़ी चढ़ते चढ़ते अपने वाहन चूहा से गिर गए। गणेश भगवान को गिरता देख चंद्रदेव जोर से हंस दिए। इस कारण से गणेश भगवान को बहुत ही गुस्सा आया। वो क्रोध में चंद्रदेव को शाप दे दिए, कहा कि हे चंद्रमा, तुझे अपनी सुंदरता पर बहुत ही अभिमान है, तो तेरी सुंदरता पर धब्बा पड़ जाए और एक पक्ष तू घटेगा और एक पक्ष बढ़ेगा और अमावस्या पूर्णिमा को तुझे राहु केतु भी ग्रसेंगे, इसलिए ग्रहण पड़ता है। तब चंद्रदेव गणेश भगवान के सामने बहुत जोर जोर से रोने लगे और क्षमा याचना करने लगे कि हे भगवान, मुझे माफ कर दो आप। तब गणेश भगवान ने कहा कि हे चंद्र, संकट चतुर्थी के दिन जो मेरा व्रत रहेगा वह गाय के दूध से पान के पत्ते से पहले तुझे अर्घ देगा और तुझे नमस्कार करेगा, उसके बाद मेरा पूजन होगा, यह मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। इसलिए पहले चंद्रदेव का पूजन होता है, उन्हें अर्घ दिया जाता है, उसके बाद ही गणेश भगवान का पूजन शुरू करते हैं। केले के आसन के ऊपर गौर गणेश बनाकर रख लें। यहाँ मुझे गोबर नहीं मिला है, तो इसलिए 2 सुपारी रखकर गौर गणेश बना लिया है। इसमें भी वही रूप दिखता है, इसलिए आप इस तरीके से पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले गौर गणेश को स्नान कराएं, ओम पवित्रम पवित्रम कहकर 3 बार उच्चारण करें।
इसी तरह सारे देवी देवताओं को जो भी पूजन में स्थापित किया है उनको स्नान कराएं। सभी देवी देवताओं को स्नान कराने के बाद कलश को स्नान कराएं। फिर गौर गणेश को चंदन कुमकुम सभी अर्पित करें, वंदन सिंदूर लगाएं। भगवान गणेश और हनुमान को सिंदूर बहुत पसंद है, इसलिए जरूर लगाएं। सूखा सिंदूर ना लगाएं, क्योंकि हमारे धर्म में तांत्रिक लोग सूखा सिंदूर लगाते हैं। आप सिंदूर में घी मिलाकर या गीला करके भगवान को लगाएं। कलश में भी टीका चंदन लगाएं। गौर गणेश को अब हम पंचामृत अर्पित करते हैं। 3 बार इस विधि को करें। जल पात्र में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और फिर से भगवान को स्नान कराएंगे, क्योंकि इसके पहले भगवान को पंचामृत अर्पित किया है, इसलिए स्नान कराना जरूरी होगा। इस तरीके से सभी को स्नान कराएं, फिर इन्हें टीका चंदन अर्पित करें और जनेऊ में जल चढ़ाएं। उसके बाद इसमें भी टीका चंदन लगाएं और भगवान को अर्पित करें। गणेश भगवान को जनेऊ अत्यंत प्रिय है। जनेऊ और रक्षा सूत्र पहनाएं और इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम गम गणपते नमः पूज्यामि। फूल बेलपत्री और गणेश भगवान को 21 दूर्वा चढ़ाएं। गणेश भगवान दूर्वा बहुत पसंद करते हैं, इसलिए पूजन में दूर्वा जरूर चढ़ाएं। कलश को भी फूल चढ़ाएं। धूप और अगरबत्ती जला लें और भगवान का पूजन करें। इस तरीके से भगवान को अर्पित करें। आटे का दीपक जलाएं, भगवान की आरती करें और भगवान के सामने समर्पित कर दें। नारियल में जल चढ़ाएं, टीका चंदन और फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं और भगवान को अर्पित करते हुए पूजा स्थान पर रख दें। फल को भी थोड़ा सा जल से शुद्ध कर लें और भगवान को अर्पित करते हुए पूजा स्थान पर रख दें। इसी तरह जो भी फल हो आप वो चढ़ा दें भगवान को। भगवान को भोग लगाने के लिए तिल गुड़ से बने हुए लड्डू, मोदक, चना और गुड़ लें। मोदक तो गणेश भगवान को अत्यंत प्रिय हैं और ये सकट चतुर्थी व्रत है, तो इसमें तिल गुड़ से बने हुए लड्डू भगवान को चढ़ाएं। सभी देवी देवताओं को अर्पित कर दें। भोग लगाने के बाद थोड़ा सा हाथ में जल लें और इस तरह से आचमन करें। अब भगवान को पान, लौंग, इलायची, सुपारी अर्पित करें। पान गणेश भगवान को अत्यंत प्रिय है। सभी देवी देवताओं को तिल अर्पित करें, क्योंकि ये तिल गणेश चौथ है, इसलिए तिल चढ़ाना बहुत जरूरी है। अक्षत अर्पित कर दें। अब हमें हवन करना है। हवन करने के लिए अग्नि तैयार कर लें। हवन कुंड को जल से पवित्र करें, टीका चंदन लगाएं, फूल अर्पित करें, फिर हवन करते हैं। हवन करने के लिए 5 से 7 बार हवन करें और इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम गणेशाय नमः स्वाहा। ओम गणेशाय नमः स्वाहा। ओम गौरी गणेशाय नमः स्वाहा। ओम गौरी गणेशाय नमः स्वाहा। और सभी देवताओं का आह्वान करते हुए ओम सभी देवता नमः स्वाहा कहें। आरती के लिए घी का दीपक तैयार कर लें। जल से आरती का शुद्धिकरण करें, टीका चंदन लगाएं, फूल अर्पित करें। आरती की शुरुआत करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मुसकी सवारी, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुवन का भोग लगे संत करे सेवा, अंधन को आंख देते कोड़िन को काया, बांझन को पुत्र देते निर्धन को माया, सूर्य श्याम शरण आए सफल कीज सेवा, जय गणेश जय गणेश देवा, माता जय की पार्वती पिता महादेवा। आरती होने के बाद अपने ही स्थान पर चारों तरफ घूम जाएं, जल से आरती का आचमन करें, फिर भगवान को आरती अर्पित करें। आरती लें और घर में सभी बड़ों को आरती दें, उनका आशीर्वाद लें। इस तरह से ये पूजन संपन्न हुआ। आप पूजा के बाद फलाहार लें, नमक ना लें। आप फलाहार में फल, फूल, तिल के लड्डू, मगज के लड्डू या मोदक आप सभी कुछ ले सकते हैं।
दोस्तों इस तरह के आपके लिए मैं काम के वीडियोस लाती रहती हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोस देखते रहिए।